जांजगीर चंपा जिले में स्थित सोन नदी में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। जांजगीर चंपा जिले के सोन नदी में 18 नवंबर को हासोद थाना अंतर्गत लाल माटी में एक युवक की लाश मिली थी, जिसे मर्ग कायम कर पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी। लाश की पहचान लाल माटी निवासी रमेश टहरिया पिता जेठू राम के रूप में हुई थी। पोस्टमार्टम में युवक की मौत बिजली करंट से होने की जानकारी प्राप्त हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लाल माटी निवासी रमेश डहरिया पिता जेठूराम गांव के किरण कुमार पिता रामनाथ के साथ 18 नवंबर को दोपहर करंट से मछली मारने सोन नदी में गया था। दोनों को मछली मारने जाते वक्त मृतक की बहन ने देखा था, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी किरण कुमार पिता रामनाथ ने बताया कि दोनों साथ में मछली मारने गए थे, जिस दौरान रमेश की करंट से मौत हो गई। मौत होने के बाद किरण कुमार अपने बाड़े में लगे मोटर पंप को 3 बजे लेकर आ गया और कपड़े को छुपा दिया। मौत की जानकारी भी किसी को नहीं दी। आरोपी के खिलाफ धारा 304 201 भादवी के तहत गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया है। वाटिका में जो मछली मार रहे थे बिजली करंट से, डॉक्टर द्वारा बताया गया है बिजली करंट से मारना बताया तो मछली मार रहे थे, उसमें उसके साथ था वो थोड़े वायर वगैरह छुपा दिया था, मोटर था उसको भी ले गया था, तो उसको आरोपी बना कुछ भी मार दोनों को जेल दोनों को जेल।